हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MTV किचन। आज की हमारी रेसिपी है गाजर गोभी और शलगम का अचार, जो सर्दियों का स्पेशल अचार होता है और सबके घर में बनाया जाता है और सबका फेवरेट भी होता है। अगर आपको अचार बनाना नहीं आता या फिर आपसे अचार ख़राब हो जाता है तो आप मेरी इस रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा। आप बहुत ही आसानी से बहुत ही लाजवाब अचार अपने घर पर बना सकेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज आपके लिए लाती रहूं और आप तक वो रेसिपी सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं गाजर गोभी और शलगम के अचार की, बिल्कुल इजी वे में आपके अपने घर में। अचार बनाने के लिए मैंने वेजेस को कट करके रखा है, गाजर गोभी और शलगम को। 1 kg मैंने गाजर लिया है, 1 kg मैंने गोभी लिया है और 1/2 kg के करीब शलगम है ये। तो हम अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने गैस पे पानी रखा है बॉयल करने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से धुआँ आ रहा है इसमें और खूब अच्छे से गर्म हो चुका है पानी इसमें। तो अब हम इसमें वेजेस ऐड कर देंगे। ये देखिए सारी वेजेस मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे हम। पानी को आपको अच्छे से बॉयल करना है, उसके बाद ही आप इसमें वेजेस डालें और उसके बाद आप गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम कवर करके रखेंगे 10 मिनट के लिए, जिससे हमारी वेजेस अच्छे से क्लीन भी हो जाएगी और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो आप घड़ी में टाइम चेक कर सकते हैं। सिर्फ हमें 10 मिनट के लिए इसको रखना है ढक के, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी अच्छे से क्लीन हो गई है, आप देख सकते हैं, और थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है अचार बनाने के लिए। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप पानी अच्छे से बॉयल करें पहले, उसके बाद आप उसमें वेजेज ऐड करें और फिर गैस को ऑफ कर दें। तो हम सब्जियों को निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेनर से मैं सारी वेजेज निकाल लूँगी। ये मैंने सारी वेजेस को निकाल लिया है। अब सेकंड स्टेप ये है कि हमने इसको सुखाना है अच्छे से। हमने इसे तब तक सुखाना है जब तक इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे हाथ लगाने पे। तो आप इसको अच्छे से सुखाइएगा धूप में 4 से 5 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसका अचार बनाएंगे। तो इतने हमारी सब्जियाँ सूख रही हैं, हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने खड़े मसाले लिए हैं। लौंग, जीरा, दालचीनी और मोटी इलायची ली है। आप इसमें काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, बट मैं उसकी जगह काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। तो अगर आपके पास पाउडर नहीं है काली मिर्च का, आप साबुत काली मिर्च को इन खड़े मसालों में मिक्स कर लीजिएगा और इसको हल्का सा हम ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि इससे पूरा फ्लेवर भी आएगा अचार में और अच्छी सी खुशबू भी आएगी। तो ये देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं अच्छे से। तो हम इसको ठंडा करके पीस लेंगे और पाउडर बना लेंगे। ये देखिए मसालों को मैंने ठंडा करके पीस लिया। ये हमारा अचार बनाने के लिए मसाला रेडी है। अब जो काली मिर्च का पाउडर मैंने लिया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए अचार में डालने के लिए ये हमारा होममेड गरम मसाला बनके तैयार है। अब हम इसको साइड में रख लेते हैं। अब उसी पैन पे मैं ऐड करूँगी सिरका। यहाँ पर मैंने वाइट विनेगर लिया है, 1 कप सिरका मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और 1 कप ही हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। सिरके और गुड़ को हमने पकाना है अच्छे से, जब तक हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। सिरके और गुड़ दोनों की मैंने सेम ही क्वांटिटी ली है। तो ये देखिए गुड़ हमारा अच्छे से डिजोल्व हो गया है सिरके के अंदर और बहुत अच्छा कलर भी आ गया इसको। अब हम इसको बंद कर देंगे गैस को और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही हमने अचार में ऐड करना है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारा अचार का मसाला भी बन के रेडी है और जो सिरके और गुड़ का हमने घोल बनाया था ये भी हमने बना के रेडी कर लिया है। और इसको बस हमने अच्छे से ठंडा करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही हम अचार में ऐड करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो वेजेस भी हमारी सूख के रेडी हैं, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं।
अब हम इसका अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। अचार बनाने के लिए गैस पे हम कढ़ाई रख लेते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप सरसों का तेल। सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करेंगे पहले, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट। अदरक को मैंने कद्दूकस करा है और 1 कप भर के मैंने अदरक लिया है इसमें। अगर आप गार्लिक खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 1/2 कप अदरक और 1/2 कप गार्लिक का पेस्ट यूज़ कीजिएगा। तो अदरक को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने डाला है इसमें और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें रेड मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर। इनको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए अदरक और मसाले हमारे मिक्स हो गए अच्छे से। अब हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे जो हमने धूप में सुखा के रखी थी। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वेजीज को आपने अच्छे से सुखाना है, तभी आपका अचार लॉन्ग टाइम स्टे भी करेगा और बहुत बढ़िया भी बनेगा। तो सारी वेजीज को हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारे मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं वेजेस के अंदर। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कीजिएगा। सब्जियां डालने के बाद ही आप इसमें नमक डालिएगा ताकि आपको परफेक्ट मेज़रमेंट इसका पता लग जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक ऐड किया है इसमें। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। नमक हमारा मिक्स हो चुका है। अब जो हमने होममेड मसाला तैयार करा था वो हम इसमें डाल देंगे। अचार बनाने के लिए आप जो मसाला लें वो आप होममेड ही बनाएं, तभी आपका अचार बहुत ही बढ़िया बनेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। रेडीमेड जो गरम मसाला मिलता है वो आप अचार में यूज़ मत कीजिएगा, आप घर पर ही मसाला बनाइएगा जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए इससे बहुत ही सुंदर कलर भी आएगा अचार में और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। ये देखिए मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है पूरे प्रोसेस में। मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें राई दाना डालेंगे। राई को मैंने मिक्सी में पीस लिया था जैसे कि आप देख रहे हैं। तो 2 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें राई पाउडर डाला है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट तक हम इसे ओपन ही इसी तरह से भूनेंगे। इसे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। उसके बाद हम गैस को ऑफ करेंगे जब हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसमें। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे। ये देखिए अचार हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। कढ़ाई को छूने से बिल्कुल ठंडी है ये। आप देख सकते हैं मसाले की रंगत देख सकते हैं आप, कितना सुंदर लग रहा है ये। अब जो हमने सिरके और गुड़ का घोल बनाया था वो भी हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको अचार में मिक्स कर देंगे। यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो आपका अचार का वेजीज हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से ठंडी होनी चाहिए और जो हमने सिरके और गुड़ का घोल बनाया है वो भी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। उसके बाद ही आप दोनों को मिक्स करेंगे, तभी आपका अचार बढ़िया बनेगा और ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो आप इस अचार को इंस्टेंट ही यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, बट 1 से 2 घंटे के बाद जो हमने इसमें सिरका और गुड़ डाला है उसका पूरा फ्लेवर चला जाएगा वेजीज के अंदर। तो उसके बाद आप इसे यूज़ कीजिएगा, बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा इसका, जैसे सिरके और गुड़ का होता है। तो इसको मैं इस कंटेनर में डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने इसका कंटेनर में डाल के रख लिया है। 1 से 2 घंटे के बाद आप इसको खा सकते हैं। तो एंजॉय कीजिएगा इसको अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। Thank you for watching MTV Kitchen.